नमः शिवाय। आज जन्मे जातक कन्या राशि में होंगे। लगभग 11 बजे के बाद हस्तिनी नक्षत्र लग जाएगा, जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। ऐसे जातक यशस्वी, दानी, उदार हृदय वाले, धनी, कुशल कार्यकर्ता, व्यापारी और परिश्रम से उन्नति करने वाले होते हैं। ऐसे जातक कुछ स्वार्थ परक भी देखने को मिलते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा तो ऐसे जातक पूर्ण सफल होंगे। सुबह की शुरुआत मन में कुछ नकारात्मक विचारों के उतार चढ़ाव से होगी, क्योंकि केतु और शनि की दृष्टि आज चंद्रमा पर पड़ रही है, जो कि आपकी राशि से छठवें चल रहे हैं। माता के प्रति चिंता बनी रहेगी। आर्थिक अनुकूलता व व्यावसायिक सफलता में सहयोग मिलता रहेगा। मित्र सहयोगियों से अनुकूलता बनी रहेगी। ससुराल या पत्नी पक्ष से व्यावसायिक लाभ में सहयोग मिल सकता है। शाम तक समय अनुकूल व राहत भरा हो जाएगा। आज आपके सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। काम करने में मन लगेगा, मगर अत्यधिक परिश्रम से थकावट भी हो सकती है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत करें। संतान के प्रति शुभ समाचार मिल सकता है। प्रयास सार्थक होंगे। सरकारी विभाग से सहयोग बना हुआ है। आर्थिक मामलों में सहयोग मिलेगा। कार्य व्यवसाय में दिन सामान्य रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शाम का समय शांति और आरामदायक माहौल में बीतेगा। संतान के प्रति जिम्मेदारी पूरी होगी। विरोधी पक्ष अनुकूल रहेंगे। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। किसी उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा। कार्य व्यवसाय में नई योजनाओं के प्रति समय अनुकूल है। मित्र सहयोगियों की सलाह आज प्रतिकूल हो सकती है, ध्यान रखें। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता मिलेगी। कार्य की अधिकता के कारण स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। पराक्रम या नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी। मन के नकारात्मक विचारों में कमी आएगी। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। रचनात्मक कार्यों को अंजाम दें। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है। कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। अधिकारियों का सहयोग आज बना रहेगा। पारिवारिक सुख संतुष्टि और सौहार्दपूर्ण माहौल को देखते हुए अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। मित्र बंधुओं से सहयोग बना हुआ है। आपकी कार्य क्षमता में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आर्थिक व व्यवसाय पक्ष सामान्य रहेगा। आपके प्रयास सार्थक होंगे। व्यावसायिक अनुकूलता के लिए उठाए गए कदम सार्थक होंगे। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। आज की आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करती है। सकारात्मक सोच रखते हुए अपने प्रयास को अंजाम दें। अनुकूलता बनी हुई है। मन में नकारात्मक विचारों को ना लाएं। परिवार व संतान से सहयोग मिलता रहेगा। मित्र बंधुओं से लाभ की स्थिति बरकरार रहेगी। अपने घर गृहस्थी या अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है। सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा। मित्र बंधुओं से सहयोग और आपके प्रयास लाभ दिलाने में मदद करेंगे। व्यावसायिक उत्थान के लिए यात्रा का योग बना हुआ है। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। संतान व पारिवारिक दायित्व को निभाने में व्यस्तता रहेगी। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। मन के नकारात्मक विचारों में कमी आएगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। प्रयास सार्थक होंगे। अचानक यात्रा का योग बन सकता है। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। ससुराल पक्ष से सहयोग या शुभ समाचार मिल सकता है।
अधिक परिश्रम से थकान व उत्साहहीनता की स्थिति आ सकती है। एक एक करके हर काम को निपटाते जाएं। मित्रों और संबंधियों का सहयोग बना हुआ है। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष मजबूत है। किसी से अनावश्यक वाद विवाद में उलझना उचित नहीं रहेगा। अपनी दिनचर्या में योगा या हल्के फुल्के कसरत को शामिल करें और अच्छा महसूस करेंगे। आज का दिन आपके लिए राहत भरा और सकारात्मक निर्णय लेने वाला साबित होगा। आर्थिक मामले में अनुकूलता मिलेगी। धार्मिक भावना बलवती होगी। खुश मिजाजी महसूस करेंगे। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। व्यावसायिक अनुकूलता में वृद्धि होगी। लगभग हर प्रयास सार्थक होंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहें। हड्डी व नसों से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मन में नकारात्मक भाव आते रहेंगे। बाहरी तत्वों से या अनावश्यक वाद विवाद से बचें। हालांकि व्यावसायिक अनुकूलता बनी हुई है, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। शाम का समय मन को शांति देगा। प्रवास की स्थिति बन सकती है। अच्छे कामों में व्यय या निवेश लाभदायक सिद्ध होगा। आपका खान पान और आहार विहार संतुलित रखें। पेट संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आर्थिक योजना को बल मिलेगा, मगर हर काम की गति बहुत धीमी महसूस होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। सरकारी अनुकूलता बनी हुई है। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। शाम तक किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।